सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मान पर तख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसम न पाए साद आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा जो जी होए सो उगवे मोह का कहे आवाओ बीजय बिख मंग अमृत वेखो एह नियाओ महला दूजा नाल याने दोस्ती कदे न आवे रास जे हा जाने ते हो वरते विखो को निरजास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुकम न चले कही बने अरदास
कूड़ कमान कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा नाल याने दोस्ती बड़ा रूसियों ने पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाओं ना थे महला दूजा होए आना करे काम आन न सकरास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लग चाकरी जे चल खसम पाए हुरमत तिसनो अगली ओह वजों पेदू ना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजों गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही है शाबाश नानक हुकम ना चलई नाल खसम चल अरदास नानक हुकम ना चलई नाल खसम चल अरदास वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा की वार दी 22वीं पौड़ी अते उस दे नाल दर्ज 5 श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। इस विचों जो पहले 2 श्लोक ने इन्हां दी विचार आपां सरवण कर चुके हाँ। बाकी 3 श्लोक अते 1 पौड़ी दी विचार संत ज्ञानी बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल आप जी नूं सरवण करवाउणगे। आओ सारे बड़े प्यार दे नाल गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अब रखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हरनाख सफारे करे आज हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत बस्त्र दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गन का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न होए कल युग
राखहो दास पाठ की लाज, सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाह दसाह, जिस पास बैठिया सो हीऐ सबना दावे साहो। महला दूजा नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास, जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निरजास, नाल आने दोस्ती। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो, जिन्हां नूं गरीब नवाज सच्चे पातशाह लोक परलोक दियां बख्शिशां दे दाते सतगुरु, खंडां ब्रह्मंडां दे मालक सतगुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब, सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र दर्शन करन दा, उन्हां दे पावन पवित्र चरणां दी धूड मस्तक नूं लाउण दा शुभ सुभागा समां प्राप्त हो रहा है। ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे प्रतख स्वरूप हाजर नाजर सतगुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे पातशाह जी दी परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके आपां नूं सतसंगत दियां ये घड़ियां ये समां ये पल सानूं सतगुरु जी दी कृपा दे नाल प्राप्त हो रहे हन। कबीर ए करी आदि हूं ते आत, भगतन सेती गोष्ट जो किन्ने सो लाभ, ऐसा महान सत्संगत दा सुभाग प्राप्त हो रहा है। गरीब नवाज सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज जी, जिन्हां ने साडे उत्ते बहुत वड्डियां बख्शिशां कीतियां, जिथे आप जी ने सेवक दी जो घालना है उस नूं अमली रूप दे विच आप कमा के साडे लई पूरने पाए, उत्थे गरीब नवाज सतगुरु जी ने साडे उत्ते किन्ने वड्डे वड्डे महान परोपकार कीते है। खडूर साहब जी दी पावन धरती ते आप जी ने ये गुरमुखी भाषा गुरमुखी बोली दी लिपि भी आप तैयार करवाई, इस दे उचारण दा सुखैन ढंग तरीका भी अपने गुरसिखां नूं आप बख्शिश कीता। इस तों अलावा नशियां दी अज दे युग विच नशियां दे खिलाफ बहुत वड्डियां मुहिमां चलाईयां जा रहियां हन, पर धन गुरु अंगद देव साहब जी ने लोकां दे नशे और शराब वर्गियां भैड़ियां वादियां नूं उस समय अनुसार इस लुकाई नूं नशियां विच डुबण तों बचाया और गुर इतिहास लिखवाउण दी सब तों पहलां परंपरा और मुढ सतगुरु महाराज जी ने आप आरंभ कीता। इस तों अलावा सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने किन्ने वड्डे वड्डे महान परोपकार कीते हन, जिन्हां परोपकारां दा वर्णन करके कथन नहीं कीता जा सकदा। उन्हां सतगुरां दी इह पावन बाणी दे सलोक जो आसा जी दी वार दे अंदर सतगुरु महाराज जी ने उचारण कीते हन, उन्हां दी कथा आप संगतां मन बिरती नूं अकागर करके श्रद्धा भावना नाल सरवण करिए। जो जी होए सो उगवै मुँह का कहिया वाओ,
बीजे बिख मंगा अमृत वेखो एहो न्याऊ। कल आप जी ने सरवण किया कि जीव का सुभा ऐसा है, ऐसा खुदगर्ज सुभा है इस मनुख का कि बीज तो जहर दे बीज का है और मंग का अमर फल है। बीज तो साध संगत जी पापा दे बीज का है, जिमें फरीद साहब जी का फरमान है, फरीदा लोड़ दाख बजौरिया किकर बीजे डट, हंडा उन कताए दा पैदा लोड़ पट। बीज पापा दे बीज का है पर फल स्वर्ग दिया सरगुण दिया चार मुक्तियां दी इच्छा रखदा कि मैनू मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, मैनू श्लोक सरूप समीप सजोडे मुक्तियां भी प्राप्त हो जान, सकाम कर्मां दा सूत कतदा है पर रेशम दी तरह कोमल जो महान ब्रह्म ज्ञान दी दात है उस दी प्राप्ति दा इच्छक है। निष्काम कर्म कीतियां तो बिना ब्रह्म ज्ञान दी प्राप्ति कित्थों होनी है, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए बीज तो मनुख अंदर दुर्गंधी दे बीज का है, जीवन विच लभदा सुगंधी है, पाप औगुणा दे बीज बीज का है पर लभदा फिरदा दुनिया दे विचों सुख। औगुण कमाउण दे नाल दुख प्राप्त हुंदा है, शुभ गुण धारण करन दे नाल सुखां दी प्राप्ति होया करदी है। मनुख दुखां दे बीज बीज दा है, लभदा सुखां दी इच्छा सुखां दी भाल सुखां दी प्राप्ति ये कदे वास्ते नहीं हो सकदा। इस करके सतगुरु महाराज जी कहिंदे जो अंदर बी बीजिया ओही तेरे अंदरों उग करके पैदा हो करके संकल्पां द्वारा जो अंदर बीज बीजे है ओही फुरनिया द्वारा जो बीज बीजे है वो अक्षरां दा बाणी दा रूप धार के जबान दे उत्ते आया करदे हन। जे अंदर पाप कर्म दे बीज बीजे है तां मुख तों भी जबान तों भी पापां दे बोल ही मनुख दी जबान दे उत्ते आया करदे है। जे नाम दा बीज बीजिया हिरदे दे विच फिर सतगुरु जी कहिंदे आ जिन्हां सास ग्रास ना विसरै हर नामा मनमंत, धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। जे वाहिगुरु नाम दा बीज बीज रहा है तां रसना ते भी वाहिगुरु नाम ही आएगा। जे गुरबाणी दे बीज बीजे है गुरबाणी दा अभ्यास कीता है तां रसना उत्ते भी गुरबाणी ही गुरसिख दे आएगी, गुरबाणी का ही निवास होएगा। सो इसलिए सतगुरु महाराज जी ने बहुत ही ये बख्शिशां भरे उपदेश सानू सारिया नू बख्शिश कीते है। अगे दूसरे पातशाह अगले श्लोक तीन श्लोक अते बाईवीं पौड़ी दी जो विचार है आप संगतां मन बिरती नू एकागर करके सरवण करो। महला दूजा दूसरे स्वरूप श्री गुरु अंगद देव साहब जी आपां नू परम पवित्र उपदेश बख्शिश करदे हन। अज दे महले दे अंदर मनुख दी मित्रता दे भाव नू लै करके कि मनुख अपने जीवन विच किसे ना किसे नू मित्र जरूर बनाउंदा है। मनुख दा सुभा है कोई चंगिया नू अपने मित्र बनाउंदा, कई लोग माड़िया नू भी अपने मित्र बनाउंदे है। दाने पुरशां दा कथन है कि मनुख दी करनी कह लो, मनुख दा जीवन कह लो, मनुख दा सुभा कह लो, मनुख दियां आदतां कह लो, कहिंदे जे इह सारा कुछ वेखणा होवे ता मनुख दे साथियां विच्चों मनुख दे मित्रां दे विच्चों ये सारा कुछ देखिया जा सकता है कि ये मनुख किहो जी करनी वाला है। जे चंगे मित्र बनाउंदा चंगे दोस्त बनाउंदा है
फिर समझ लो ये आप भी चंगा और चंगे गुणा वाला है। जे मित्र माड़े है, माड़े सुभाव वाले है, पाप करन वाले है, फिर समझ लो कि इस मनुख ने अपने जीवन विच पापा नू ही प्यार किया है, औगुणा दी ओह खट्टी खट्टी है, औगुणा नू कमाया है। इस करके साध संगत जी, मित्र बनाउण दा, दोस्त बनाउण दा मनुख दे अंदर एक कुदरती सुभा है, बल्कि प्रकृति दे अंदर भी ऐसा कुछ वर्तारा, वाहिगुरू दी नेत ऐसी है, उदे अंदर भी ये वर्तारा चलदा ही रहिंदा है। सो साध संगत जी महाराज कहिंदे भी दोस्ती जिहड़ी मित्रता करनी है ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਆਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਚਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੂੜ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਦਿ ਅੰਤ ਪ੍ਰਿਅੰਤ ਇਹ ਸਦਾ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣੇ ਬਾਲਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਰਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਚਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਦੇ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਣਾ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ, ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਤਰ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਜਾਣਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਗਿਆਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜਨ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮੰਨੂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ